पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। कभी कभी हमें ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करने होते हैं जिनमें इन्हीं दो नोड के बीच में ऐसा ब्रांच होता है कि उसमें केवल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो, कोई अदर एलिमेंट न हो। जैसे इस सर्किट को आप देखिए, इसमें नोड टू और नोड थ्री के बीच में ये वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है। इसमें कोई एडिशनल रेजिस्टेंस या कैपेसिटर या कोई अदर एलिमेंट नहीं बने, टू और थ्री के बीच में केवल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है। ऐसे सर्किट को हम सुपर नोड एनालिसिस टेक्निक यूज करके बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम दोनों नोड को मिला करके एक लार्जर नोड बना देते हैं, जो कि यहाँ डाटा डायग्राम में दिखाया गया है। दोनों नोड की जगह पे हम एक ही नोड को इसमें लिखेंगे, इसको हम इस लार्जर नोड को सुपर नोड कहेंगे। सुपर नोड का नोडल इक्वेशन लिखने के लिए हम सबसे पहले नोड टू के लिए केसीएल लगाएंगे, यूज करेंगे। लेकिन जिस ब्रांच में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है उसको इग्नोर कर देंगे। इसका केसीएल यूज करेंगे, लिखेंगे इस ब्रांच में करंट, इस ब्रांच में करंट, लेकिन जिसमें वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है उसमें नहीं, उसको इग्नोर कर देंगे। और इसी में हम नोड थ्री के लिए केसीएल यूज करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे नोड टू और नोड थ्री का कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे। तो इस तरह के सर्किट को सॉल्व करना है अगर, तो सबसे पहले तो हम नोड वन के लिए नोडल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं यूजिंग केसीएल। आप पहले से जानते हैं कि नोडल एनालिसिस में जिस नोड का इक्वेशन लिखना होता है उस नोड के वोल्टेज को हम रिमेनिंग नोड के वोल्टेज से हायर वोल्टेज लेके इक्वेशन लिखते हैं। हम नोड वन के लिए लिख रहे हैं तो बी वन रिमेनिंग नोड के वोल्टेज से ज्यादा होगा, तो इस ब्रांच में करंट आउटगोइंग होगा, ऐसे इस ब्रांच में करंट आउटगोइंग होगा। लेकिन अगर किसी ब्रांच में करंट सोर्स कनेक्ट है तो हम इस करंट सोर्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करंट लेंगे। जैसे इस ब्रांच में करंट सोर्स है तो हम आई का डायरेक्शन लेंगे जो इंडिकेटेड है, यह हमें आउटगोइंग नहीं देखना। केसीएल में आउटगोइंग करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं और इनकमिंग करंट को नेगेटिव लेते हैं। तो केसीएल इक्वेशन इसके लिए इस तरह से होगा। नोड वन के लिए केसीएल इक्वेशन इस ब्रांच में करंट बी वन, ये वोल्टेज बी वाई बी वन माइनस बी वाई अपॉन आर वन, आउटगोइंग करंट पॉजिटिव। इस ब्रांच में करंट बी वन माइनस बी टू अपॉन आर टू, ये भी आउटगोइंग पॉजिटिव लेंगे। इस ब्रांच में करंट इनकमिंग करंट इसको नेगेटिव है। सारे करंट का एलिमिनेशन जीरो होता है। इस तरह से एक इक्वेशन हमें नोड वन के लिए हो गया। ऐसे ही केसीएल इक्वेशन एट सुपर नोड
ब्रांच में करंट, यहाँ पे जीरो वोल्टेज है, हमने नोड 4 को रेफरेंस नोड लिया है, V2 माइनस 0 अपॉन R। तो V2 माइनस 0 अपॉन R3 तो हम डायरेक्ट V2 अपॉन R3 लिखेंगे। एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम सुपर नोड का इक्वेशन लिखते हैं तो जिस ब्रांच में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है उस ब्रांच को निगलेक्ट कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स को हम रिमूव कर देते हैं। इस ब्रांच के लिए हम करंट नहीं लिखेंगे, हमने नोड 2 के इस ब्रांच और इस ब्रांच का करंट लिखा है, इसको नहीं लिखा। अब इसी इक्वेशन में नोड 3 का भी हम इक्वेशन लिखेंगे, केसीएल यूज करेंगे और दोनों को हम जीरो करेंगे। अब यहाँ पे हम केसीएल लगा रहे हैं, इसी में हमें ऐड करना है। इस ब्रांच में करें V3 माइनस VZ अपॉन R। इस ब्रांच में करें V3 माइनस 0 अपॉन R, मींस V3 अपॉन R। इस वाले ब्रांच के करंट को हमें इग्नोर करना है, नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे थे तो इस ब्रांच के करंट को नहीं लिखा था, ऐसे यहाँ पे नोट थ्री के लिए भी हमें जिस ब्रांच में वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है उसको नहीं लिखना है। हम सर्किट को एग्जामिन करेंगे, अगर किन्हीं दो नोड के बीच में कोई ऐसा ब्रांच है जिसमें केवल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है तो हम उन दोनों नोड को मिला करके एक लार्जर नोड बनाएंगे और उसको हम सुपर नोड कहेंगे, और उस सुपर नोड के लिए एक ही नोड इक्वेशन लिखेंगे जिस तरह से हमने यहाँ लिखा, इसको हम ऊपर कर देंगे जीरो। तीसरा इक्वेशन हम इस वोल्टेज को कंसीडर करके लिखेंगे, यहाँ पे वोल्टेज V2, यहाँ पे वोल्टेज V3, इसके बीच में Vx वोल्टेज सोर्स है, तो हम लिख सकते हैं V2 माइनस V3 इक्वल्स Vx माइनस V3 इक्वल्स। इसका इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन को कांस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए हमारे पास 3 अननोन वोल्टेज है V1, V2, V3 और 3 लीनियर इक्वेशंस है 1, 2, 3। तो इन तीनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें V1, V2, V3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सुपर नोड एनालिसिस टेक्निक है। अब इसको हम एक प्रॉब्लम के माध्यम से हम समझाएंगे, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें करते हैं। Thank you.
ये इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाया गया है, इसमें हमें फाइंड करना है करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे।
तो नोड 1 के लिए हमने सारे करंट लिख लिए, अब उसी में हम नोड 2 के लिए सारे करंट लिखेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे, सारे करंट का एडिशन 0 कर देंगे। अब हम नोड 2 के लिए कैसे अप्लाई करने जा रहे हैं, ये डायरेक्शन हम बता देते हैं, क्योंकि अब नोड 2 कंसीडर करेंगे करंट के डायरेक्शन चेंज हो, इसी में हमको ऐड करना है सुपर नोड में दोनों नोड को मिला के कंबाइंड इक्वेशन लिखते हैं। इसमें अब हम V2 कंसीडर कर रहे हैं, ये वोल्टेज V1 से हायर रीड कर रहा है, ये करंट इस डायरेक्शन में आउटगोइंग, तो इस ब्रांच में करंट अब होगा वोल्टेज V1 मींस
4 एम्पीयर करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज में V1 मिलेगा, लिखेंगे हेंस वोल्टेज अक्रॉस 4 एम्पीयर करंट सोर्स V1 की वैल्यू 43/8 V1 ही 4 एम्पीयर करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज होगा। ऐसे ही 9 एम्पीयर करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज, ये ग्राउंड लेवल पे है और यहां पे वोल्टेज V2 है, तो V2 ही 9 एम्पीयर करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज होगा। इस तरह से हम सुपर नोड एनालिसिस यूज करके इस तरह के सर्किट को सॉल्व करते हैं जिनमें दो नोड के बीच में केवल एक ही वोल्टेज सोर्स हो। ऐसा कोई ब्रांच अगर है इन दो नोड के बीच में केवल वोल्टेज सोर्स को अदर एलिमेंट नहीं कनेक्ट है, तो हम सुपर नोड टेक्निक यूज कर सकते हैं। अब एक दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमने एक दूसरा सर्किट लिया है, इस सर्किट में हमको फाइंड करना है कॉन्स्टेंट करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम इस सर्किट में नोड्स आइडेंटिफाई करते हैं, नोड्स कहलाते हैं। तो देखिए एक नोड यहां है, दूसरा नोड यहां है,
दूसरा नोड और चौथा नोड, चार नोड हमने आइडेंटिफाई कर लिए। नोड फोर को हम रेफरेंस नोड सेलेक्ट करते हैं, इसलिए हम नोड फोर के वोल्टेज को जीरो को। इस सर्किट में हम देख रहे हैं कि नोड टू और नोड थ्री के बीच में केवल एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है। नोड टू और थ्री के बीच में एक ब्रांच ऐसा है जिसमें कि केवल वोल्टेज सोर्स से रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। अगर रेजिस्टेंस लगा होता तो हम सुपर नोड टेक्निक नहीं यूज कर सकते, तो हम नॉर्मल नोड एनालिसिस यूज करेंगे। यहाँ पे केवल वोल्टेज सोर्स है, तो हम इन दोनों नोड को कंबाइन करके एक सुपर नोड बना लेंगे और नोड टू और थ्री के लिए कंबाइंड रूप से इक्वेशन लिखेंगे। तो हम यहाँ पे एक बैक ट्रांस कवर कर लेते हैं, ये नोड टू नोड थ्री लगा के हम सुपर नोड। सबसे पहले हम नोड वन के लिए केसीएल इक्वेशन लिखेंगे, नोडल इक्वेशन लिखेंगे। KCL equation for node 1, इस नोड के लिए हमें KCL लिखते हैं। इस नोड 1 का वोल्टेज हम V1 ले लेते हैं, ऐसे नोड 2 का वोल्टेज V2, नोड 3 का वोल्टेज V3। हमने एक वोल्टेज असाइन कर दिया V1 V2 V3 सारे नोड के लिए और नोड फोर के लिए जीरो, जो कि रेफरेंस नोड के लिए। यहां हमें KCL इक्वेशन लिखना है, इस ब्रांच में करें V1 माइनस जीरो अपॉन 3, इस ब्रांच में करें V1 माइनस V2 अपॉन 2 और ये करंट कमी करंट है। तो इन करंट्स को यूज करके हम KCL इक्वेशन लिख रहे हैं। V1 को हम रिमेनिंग नोड के वोल्टेज से हायर वोल्टेज ज़ूम करके लिखेंगे, ये जनरल रूल है नोडल एनालिसिस में कि जिस नोड का हम इक्वेशन लिखते हैं उस नोड के वोल्टेज को रिमेनिंग नोड के वोल्टेज से हायर ज़ूम करके लिखेंगे। इसीलिए ये इस ब्रांच में करें V1 माइनस जीरो अपॉन 3 आउटगोइंग करंट, इस ब्रांच में करें V1 माइनस V2 अपॉन 2 आउटगोइंग करंट। तो नोड वन के लिए क्वेश्चन इस तरह से होगा V1 माइनस जीरो इस ब्रांच का करें अपॉन 3, इस ब्रांच का करें V1 माइनस V2 अपॉन 2, ये इनकमिंग करंट है इसलिए नेगेटिव इक्वल्स 0। इसको सिंपल करेंगे तो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर किस तरह से मिलेगा, 5V1 माइनस 3V2 इक्वल्स 6V2, ये फर्स्ट इक्वेशन में नोड वन के लिए। अब हम सुपर नोड के लिए नोडल इक्वेशन लिखते हैं, सुपर नोड 2 एंड 3 को मिलकर फॉर्म होता है। KCL equation for super node और ये super node node 2 3 से काम हुआ है। पहले हम node 2 के लिए KCL apply कराएंगे लेकिन इस branch के current को ignore करेंगे और उसमें node 3 के लिए KCL लगाएंगे, इस branch का current ignore करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे कंबाइन करके। अब हम इस डायरेक्शन को मिटा देते हैं क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा करंट का। जब हम नोड 2 के लिए केसीएल लिखेंगे तब हम V2 को हाईएस्ट वोल्टेज देंगे, अदर नोड के वोल्टेज से ज्यादा देंगे। तो अब
इस ब्रांच में करें इस तरह से आउटगोइंग करें, इसमें करें इस तरह से। तो नोड 2 पे वन नोड रेजिस्टेंस में करंट होगा V2 माइनस 0/1 इस ब्रांच में करंट होगा V2 माइनस V1/2 और इस ब्रांच में करंट को नहीं लेना है, जिस ब्रांच में केवल वोल्टेज सोर्स है वोल्टेज सोर्स को हमें रिमूव कर दिया इसका लेंगे। अब इसी में हम नोड 3 के लिए किसी भी करेंगे, नोड 3 के लिए केसीएल इक्वेशन लिखने के लिए हम नोड 3 के वोल्टेज को अब हम हाईएस्ट वोल्टेज देंगे, अज्यूम करेंगे कि V3 रिमेनिंग नोड के वोल्टेज से ज्यादा है। इस ब्रांच में करें यहां पे वोल्टेज कितना है कि V3 माइनस 0/5 इस ब्रांच में करें यहां पे वोल्टेज V3 है यहां पे 0 V3 माइनस 0 इस ब्रांच में करंट को देना नहीं है जहां वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, सारे करंट का एडिशन इक्वल इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो मैं ये इक्वेशन रिड्यूस होकर किस तरह से मिलेगा माइनस 5 V1 प्लस 15 V2 प्लस 7 V3 इक्वल्स 20 इसको इक्वेशन नंबर इस तरह से ये इक्वेशन सुपर नोड के लिए नोडल इक्वेशन है। अब हम कांस्टेंट इक्वेशन लिखेंगे, अब हम इस बात के वोल्टेज को इंक्लूड कर देंगे, यहाँ पे वोल्टेज V2 है इस नोड पे वोल्टेज V3 है तो V2 माइनस V3 इक्वल्स 20 ये कांस्टेंट इक्वेशन। साथ में रहेंगे तो वोल्टेज समझिए V1 18.947 वोल्ट, V2 11.579 वोल्ट, V3 -8.421 इस तरह से हम सारे नोड के वोल्टेज को फाइंड करेंगे और हमको फाइंड करना है ऑब्टेन करंट इन हाई वोल्टेज, हमें यहां पे करंट फाइंड करना है। तो
सबसे पहले हम अपना डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं कि हमने नोडल यूनिवर्सल के लिए डायरेक्शन निकाला है। इस ब्रांच में करंट अगर हम इस अपवर्ड डायरेक्शन में कैलकुलेट करें, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये डिस्चार्जिंग करंट होगा, बैटरी करंट सप्लाई करेगी। और अगर डाउनवर्ड कैलकुलेट करें तो चार्जिंग करंट होगा, बैटरी चार्ज होगा। और एक्चुअल क्या होगा ये तो करंट के साइन से हमें पता चलेगा। हम अपवर्ड ले करके कैलकुलेट करने जा रहे हैं इस डायरेक्शन में करंट, इस डायरेक्शन में करंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्चार्जिंग करंट होगा, बैटरी सप्लाई कर रही है करंट, यहाँ लिखेंगे डिस्चार्जिंग करंट। Thank you.